ready, yeah? Roll. Rahul, back straight, chest out. Yeah, stay. Be absolutely still like Shiva. Okay, cut. शूटिंग में इतने सारे टेक्स क्यों होते हैं? ये मेकअप कैसे चेंज होता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कंटिन्यूसली आप सोचते रहते हैं, जिनके आंसर्स आप ढूंढते रहते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में यही बात करेंगे। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन, और आप देखेंगे उसके बाद कि किस तरह से बहुत सारे शॉट्स लेते हैं और क्यों लिए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेकअप एंड लुक, किस तरह से हम 20 मिनट में लुक चेंज करते हैं ऑन द सेट। तो कभी कभी जब आपके पास टाइम कम होता है तो किस तरह से चीज़ें सेट पे ही करनी पड़ती हैं और होती हैं, और ये सब देखेंगे आज आप इस ब्लॉग में। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर राहुल शर्मा। सो अभी हो गया है डे 3, आज है हमारा डे 3, मतलब मेरा शूट का, नेहा का फर्स्ट दिन है। और आज एक्चुअली प्रॉपर शूट लग रहा है, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। रात को 4:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, और उससे पहले मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। मैं राजस्थान से यहाँ आया और फिर डायरेक्टली यहाँ आया, पैकिंग करनी थी क्योंकि 10 दिन यहाँ कंटिन्यूस शूट है। ये लोकेशन गुजरात बॉर्डर पर है। सो इट इज़ वेरी टायरिंग डे बिकॉज आई डिडंट स्लीप एट ऑल, 1 घंटा सोया हूँ मुश्किल से। सो बट स्टिल आई एम एन्जॉइंग बिकॉज द लोकेशन इज ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट थिंग इज आई एम शूटिंग। सो या एंड ऑल्सो दिस इज माई 3rd डे, बट प्रैक्टिकली दिस इज माई 1st डे। नंद जी का पुनर्जन्म जो है वो शूट कर रहे हैं हम, तो पुनर्जन्म नहीं सॉरी, नंद जी का जो पिछला जन्म था जिसमें वो द्रोण थे, राजा द्रोण, वो हम शूट कर रहे हैं। और द लुक इज लुकिंग गुड राइट, वो तो आपने देख ही लिया है, पर फिर भी कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ कॉमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शूटिंग में इतने सारे टेक्स क्यों लिए जाते हैं, कितने टेक लेते हैं, एक्चुअली कितने टेक्स में अप्रूव होती है चीज़ें, और कब आपका टेक ओके होता है। चलिए पहले ये सारे शॉट्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कितने सारे टेक्स किए, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 टेक्स मुझे याद है जहाँ तक जब हम कर रहे थे। तो 15 टेक क्यों करेंगे हम, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट होता है। लाइक पहला शॉट अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने नीचे भी लिखा है कि ट्रॉली छोटी पड़ गई थी, इसीलिए उसमें एक पीस और ऐड किया गया एंड देन वी गॉट द शॉट।
फिर उसके बाद दिया गया फोकस शिफ्टिंग का शॉट। तो फोकस शिफ्टिंग का शॉट जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है, और कई बार जब आप बहुत अच्छे अच्छे शॉट डिज़ाइन करते हैं तो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है फोकस शिफ्टिंग। सो उसमें कई बार ऐसा होता है कि फोकस चला जाता है, लाइक अगर सामने कोई खड़ा है, जैसे कि पिछला सीन आप देखेंगे तो सामने कोई खड़ा है, मैं पीछे खड़ा हूँ, तो नेहा से शिफ्ट होगा फोकस मुझ पे एंड देन फिर मुझसे शिफ्ट होगा यहाँ पर। तो ये शॉट बड़ा क्रिटिकल होता है और इस वजह से कई बार इसके रीटेक्स होते हैं, और इन रीटेक्स में हमको कंटिन्यूसली इमोशन बनाए रखना पड़ता है। सो शॉट रीटेक होने के बहुत सारे कारण हैं, कई बार टेक्निकल रीजंस होते हैं, कई बार जो है फंबल कर जाते हैं इस वजह से भी होता है, कई बार लाइटिंग का इशू होता है, कई बार कुछ मेकअप से रिलेटेड या ड्रेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सो कट होने का कोई भी कारण हो सकता है, जो इस दुनिया में होते हैं वो सारे कारण हो सकते हैं कट होने के लिए। सो ओके टेक कब मिलता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। इफ यू आर शूटिंग आउटडोर देन इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम समटाइम्स टू जस्ट टेक दैट परफेक्ट शॉट, एंड इफ द कंडीशंस आर नाइस लाइक वेदर इज गुड एंड द नॉइस इज नॉट कमिंग, साउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देन आपको शॉट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं कि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन जब कई बार बहुत डिस्टर्बेंस होता है, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती, तो शॉट मिलने में बहुत मुश्किल होती है, और कई बार हम एक ही शॉट को 30 टेक्स 40 टेक्स तक जाना पड़ता है। बट यू कांट हेल्प इट, बिकॉज स्टार्टिंग जब किसी भी शो की या वेब सीरीज या फिल्म की होती है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैरेक्टर्स को सेटअप करने में, चीज़ों को सेटअप करने में, और जब एक बार वो रिदम में आ जाते हैं उसके बाद उतना टाइम नहीं लगता, उसके बाद टाइम कम होने लगता है। ये वैसा ही है जैसे आप कोई भी एक्टिविटी पहले दिन करें और 50वें दिन करें, तो जो डिफरेंस होगा ये उसी तरह है। तो यस, ये थी पहली इन्फॉर्मेशन। चलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ कि किस तरह से मेकअप 20 मिनट में चेंज होता है। यार ये बढ़िया है यार, सारे चीकू इकट्ठे हो गए आपके यहाँ। चीकू कितनी है? Still like Shiva. Yeah. Slowly shift focus. Cut. Rahul एक पता चिंदाम करो। चेंज हो गया, हम गरीब हो गए अब। तपस्या करते करते गरीब हो गए। यहाँ तुमने तमराज किल्विच बनाया है। देखा इतना आसान नहीं है एक्टर बनना, इतना खुली बहुत बहुत मेहनत लगती है बेटा, पेशेंस लगता है एक्चुअली मेहनत से ज़्यादा। सो आपने देखा कि किस तरह से मैं फ्रेश लुक के साथ में, छोटी बियर्ड के साथ जो कि अभी भी है मेरे पास, उसके साथ मैं शूट कर रहा हूँ, और कैसे उसको हम बढ़ाते हैं, मतलब वो ऐड किया जाता है, और उसके अलावा कैसे डल लुक किया जाता है। तो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इसको करने में और इस चीज़ को कंटिन्यू 13 आवर्स तक रखने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, स्पेशली जब आप अगर नोटिस करेंगे उसमें, तो यहाँ पर जो गम लगाया जाता है या जो गम से चिपकाई जाती है विग, उस प्रॉपर विग को सेट करने में और
निकालने में तो 5 मिनट लगता है, लेकिन जब सेट करते हैं तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट उस चीज़ को जाता है, दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह सेट करने में। तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ मतलब निकले ना, क्योंकि वहाँ से अगर वो लाइन विजिबल होगा या वो गम छूट जाएगा तो वो निकल कर दिखेगा, और वो दिखेगा तो सीन में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बीच बीच में छूटता है बिकॉज पसीना होता है अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं। तो 20 मिनट्स में लुक इस तरह से चेंज करते हैं, गम लगाया जाता है, पूरा इसको पेस्ट किया जाता है गम से, और उसके अंदर आप 12 आवर्स तक जब रहते हो, उसके बाद जब हटाते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ सेकंड के लिए तो आप नम हो जाते हो, और उसके बाद में आप फील करते हो कि हाँ मेरा सर अपनी जगह पे है। यस इट इज़ डिफिकल्ट, बट दिस थिंग ओनली यू कैन डू व्हेन यू लव एक्टिंग, व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट इट, अदरवाइज यू विल बी इरिटेटेड होल टाइम। तो चलिए अब पैकअप हो गया है, पैकअप के बाद में व्हाट वी आर डूइंग लेट्स हैव अ लुक। भालू आपका उधर गया, भालू गौर से देखिए इस डरावने चेहरे को। लव करिया भानू, लव करिया, लव करिया। और तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया ये तो बताओ तुम। नहीं बेटा तुम हरी के पीछे पड़ी हो, तुम हरी गुनगा रही हो, हरी के पीछे पड़ी हो, चाहती क्या हो तुम हरी से? कुछ गड़बड़ है दया। बहुत कुछ गड़बड़ दया, ये संतान नहीं मांग रही है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड मांग रही है यार। चलो बढ़िया, आज का दिन खत्म, कल मिलते। ये सही लग रहा है एकदम भरा भरा, बॉडी और बन जाती ना यार, तो मजा आ जाता जीवन में, पर मैं बना ही नहीं पा रहा। जिम चालू है? जिम 5 दिन से नहीं चालू है, तो क्या एकदम से मामला ड्रॉप हो गया? थोड़ा भी खा लो तो फट आउट निकाल। क्या That's it for now for today's vlog. Thank you so much for watching and giving your love and support. Now, please, if you like these things, these vlogs, I am really working hard for these vlogs because बहुत टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, बहुत सोचना पड़ता है। इन बिटवीन द सीन्स, इन बिटवीन द शूट, आई हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट दिस, एंड उसके बीच में टाइम निकाल के मैं एडिट करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ वॉच इट, आई विल फील गुड अबाउट इट, एंड आई विल बी मोटिवेटेड कि मैं आप सब लोगों के लिए ब्लॉग्स करूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने वेडिंग ब्लॉग सीरीज़ नहीं देखी है तो जाकर देखो, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो हियर्स द लिंक, क्लिक इट। थैंक यू अगेन गाइज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।